टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने अपने काउंटी क्रिकेट का आगाज कर दिया है, लेकिन उनकी काउंटी क्रिकेट का आगाज कुछ खास नहीं रहा। ये यूं कहें कि उनकी काउंटी क्रिकेट का आगाज बड़ी ही अजीबोगरीब रहा, जहां पर वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए, जिसे देखने के बाद फैंस की हंसी भी नहीं रुकेगी। आपको बता दें कि नॉटिंगम शायर के लिए पृथ्वी शॉ ने काउंटी क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। डेब्यू पर उन्होंने कुछ अच्छी शॉट्स खेली और उन्होंने अपनी टीम के लिए रन बनाने का काम किया, लेकिन इस बीच वो एक गेंदबाज की बाउंसर का शिकार हो गए और हिट विकेट आउट हो गए। जी हाँ, हिट विकेट आउट होने का उनका अलग ही तरीका था। वो बाउंसर गेंद को संभाल ना सके और खुद सीधा जाकर विकेटों में जा गिरे। ग्लौस्टरशायर के तेज गेंदबाज पॉल वैन मिकरन की खतरनाक तेज गति से आती हुई बाउंसर गेंद पर शॉ अपना संतुलन नहीं संभाल सके और स्टंप पर खुद ही बल्ला मार दिया और उसके बाद खुद भी गिर पड़ी। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ ने इस मुकाबले में 34 रनों की पारी खेली। जब बल्लेबाज 34 रन पर थे तो बड़ी शॉट खेलने के प्रयास में वो अपना विकेट ही खो बैठे। इसके बाद तो उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हुआ और बड़े ही अचंभे के साथ वो पवेलियन वापस लौट गए। बता दें कि बीते पिछले कुछ दिनों में पृथ्वी शॉ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। उन्हें ना तो टीम इंडिया में मौका मिल रहा है, ना ही उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। पृथ्वी शॉ लगातार IPL और घरेलू क्रिकेट में भी फ्लॉप हो रहे हैं। हाँ, रणजी ट्रॉफी में उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में भी जगह नहीं दी गई। अभी देखना होगा कि काउंटी क्रिकेट में जाकर पृथ्वी शॉ कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्या काउंटी क्रिकेट खेलकर वो इंडिया में वापसी कर सकेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।